हैप्पी वन, मैं महेंद्र पांडे, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे द्वारा, हमारे इस चैनल पर आप लोगों को कंप्यूटर के कोर्सेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस पर जो भी कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, उनकी बाकायदा एक प्लेलिस्ट होती है। उस प्लेलिस्ट में आप वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। जैसे आप किसी क्लास में आप स्टडी करते हैं, आपका जो स्टेप बाय स्टेप क्लास चलता है, उसी तरीके से आपको यहाँ वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं। सो उसी क्रम में मैं आप लोगों को टैली प्राइम की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले हमारे इस चैनल पर कंप्लीट टैली ईआरपी 9 का कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने कंप्लीट कोर्स दिया हुआ है। और टैली प्राइम के अंतर्गत मैं एक अपग्रेड उसका प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि टैली ईआरपी पढ़ा हुआ है तो प्राइम में प्रॉब्लम आती है, तो वो जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे अगर आप टैली प्राइम की वीडियोस को भी देख लेंगे तो। लेकिन बिगनर्स के लिए बेस्ट है कि हमारा जो टैली ईआरपी 9 का प्लेलिस्ट है उसको स्टेप बाय स्टेप आप देखें, सो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आपके लिए प्राइम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जो मैं प्राइम का प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें मैंने जो लास्ट वीडियो दिया हुआ था वो जर्नल एंट्रीज पर था। गाइज, जर्नल एंट्रीज में किसी को यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी लास्ट वीडियो जो थी जर्नल एंट्रीज की, उसको आप देख लेंगे तो आपको अकाउंट्स के जो रूल्स हैं उनका भी आपको खासा ज्ञान हो जाएगा और आपको जर्नल एंट्रीज में फिर जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत ही आसानी से जर्नल एंट्रीज को कर पाएंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है उन्हीं जर्नल एंट्रीज को लेकर के मैं आज आप लोगों को लेजर क्रिएशन बताऊंगा। आपको आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप जर्नल एंट्रीज को देख लेंगे या फिर स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है इन्हीं एंट्रीज पर हम आपको लेजर क्रिएशन बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि लेजर क्रिएशन हम कैसे करते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं और उनका यूजेस क्या है, लेजर्स के लिए हम ग्रुप का चुनाव कैसे करते हैं जिसे लेजर अंडर हेड अप कहते हैं, उसमें किस लेजर को हम किस ग्रुप में डालते हैं वो भी मैं कंप्लीटली इसमें डिस्क्राइब करूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप के वीडियो को आप लास्ट तक देखें। वीडियो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा तो वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास तथा तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेजर क्रिएशन। मैंने टैली ओपन कर रखा है, यहां पर टैली को मैंने ओपन किया, टैली प्राइम है आपका। इसमें मैंने एक नई कंपनी बनाई हुई है जो कि आप देख पा रहे हैं केसीआई टैली स्पेशलिस्ट नेम से है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो, जो मेरी लास्ट वीडियो है जर्नल एंट्रीज की, वो आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, यहां से जाकर के वीडियोस को आप देख लेंगे और उसमें जो भी जर्नल एंट्रीज की गई हैं उनके आधार पर मैं आपको यहां पर लेजर क्रिएशन बताऊंगा। तो वो आपका उन एंट्रियों को देख करके आप लेजर को अच्छे से समझ पाएंगे। आपको स्क्रीन पर मैं फिर से दिखा दूं, इन्हीं एंट्रीज को मैं इसमें उस इन्हीं एंट्रीज का लेजर मैं इसमें बनाने वाला हूं। सो आप एंट्रीज को देख लेंगे और इन्हीं जनरल एंट्रीज को हम कैसे, इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि लेजर हम किसका बनाते हैं। तो जो जर्नल एंट्रीज आप किए होते हैं, जो आपके पास हार्ड कॉपी में होता है, उसी का आप सॉफ्टवेयर में लेजर क्रिएट करते हैं। तो आप देखें टैली के मेन विंडो पर हम आ चुके हैं और इसमें आप देखें मेरे पास एक कंपनी है केसीआई टैली स्पेशलिस्ट के नाम से ही है। मैंने इस कंपनी को अभी न्यूली बनाया हुआ है और इस कंपनी में अभी कोई लेजर क्रिएट नहीं है। आपको मैं बता दूं कि कंपनी क्रिएट करते ही दो लेजर डिफॉल्ट बन जाते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है कोई व्यापार होगा तो उसमें कैश का इन्वॉल्व होना जरूरी है, बिकॉज कैश एक करेंट एसेट्स के अंतर्गत आता है और अगर कंपनी है तो कंपनी में प्रॉफिट और लॉस, ये अंडरस्टूड है कि व्यापार अगर हमने स्टार्ट किया है तो प्रॉफिट और लॉस होना है। सो ये दो लेजर आपके क्रिएट रहते हैं ऑटोमेटिक, कैश प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम यहां चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट पर, एक बार चेक कर लेते हैं लेजर्स को। यहाँ लेजर पर डबल क्लिक करेंगे आप तो यहाँ आपको कैश और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दिख रहा है। अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि अलग से बिग अंडर हेड दिखाए तो मल्टी मास्टर्स पे चले जाते हैं और यहाँ
मल्टी अल्टर्स पे जाते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं आप, तो आपको दिख रहा है कि कैश जो है कैश इन हैंड के अंतर्गत बना हुआ है। कैश इन हैंड करंट असेट्स का एक सब ग्रुप होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एक प्राइमरी ग्रुप होता है। तो यहाँ दो ही लेजर बने हुए हैं और ये जो विंडो आपके सामने है ये मल्टीपल लेजर क्रिएशन करने की विंडो है। तो हम आपको मल्टी लेजर क्रिएशन भी इस विंडो पर भी बताएंगे और आपको सिंगल एक एक लेजर क्रिएशन कैसे हम करते हैं और वो कैसे आपका एक बनता है फिर सेव हो जाता है फिर दूसरा हम बनाते हैं फिर सेव कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप सिंगल सिंगल लेजर हम क्रिएशन करते हैं, जबकि टैली ईआरपी में आप देखेंगे तो सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर का अलग अलग ऑप्शन था। यहाँ भी वही है लेकिन यहाँ मैक्सिमम हम सिंगल पर ही काम करते हैं। हम यहां से बैक आ जाते हैं और चलते हैं लेजर क्रिएशन करते हैं। आप देख रहे हैं ये गेटवे ऑफ टैली का मेन मेन्यू है जिसमें मास्टर्स ही हमें क्रिएट करना है और जो लेजर है या स्टॉक्स है या फिर आप पेरोल के पेहेड्स वगैरह की बात करें, आप कॉस्ट सेंटर्स बजट गोडाउन ये सारी चीजें हम मास्टर्स के अंतर्गत ही बनाते हैं जिसमें क्रिएट ऑप्शन है। टैली ईआरपी में इसे डिफरेंट तरीके से दिया गया हुआ है, अकाउंट इनफो इन्वेंट्री इनफो इस तरह से, बट यहाँ मास्टर्स में क्रिएट के अंदर सारे ऑप्शंस को दे दिया इसने। हम क्रिएट पर आ गए और आप देखें अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत ग्रुप है। पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूं ग्रुप क्या होता है, ग्रुप को हम कैसे बनाते हैं। अगर हमें ग्रुप बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं, बट हमारे पास 28 ग्रुप्स पहले से अवेलेबल होते हैं। जिसने भी मेरी ग्रुप वाली वीडियो ना देखी हो वो जाकर के जरूर देख ले, आपको हमारे टैली प्राइम के प्लेलिस्ट में ग्रुप रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। जो 28 ग्रुप्स होते हैं जिसमें 15 आपके प्राइमरी होते हैं और 13 सेकेंडरी या सब ग्रुप होते हैं जो उन्हीं प्राइमरी से बने हुए होते हैं। अगर जब हम काम करते हैं तो जो ग्रुप लिस्ट आती है वहां आपको 34 ग्रुप्स दिखते हैं। 34 ग्रुप्स में कुछ चीजें दो बार दी गई होती हैं जो आपको यूज में, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंस इनडायरेक्ट लिखा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंस डायरेक्ट लिखा होता है, इस तरह से कुल आपको 6 ग्रुप एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। मैंने उसको आपको ग्रुप वाली क्लास में बताया हुआ है। तो आप बिना देरी के हम लेजर स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने लिस्ट ऑफ मास्टर्स ओपन होकर के आया है। यहां पर अगर हमें ऑप्शंस ना दिख रहे हो कंप्लीटली तो हम सो मोर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ अकाउंटिंग मास्टर्स में हमें सारे ऑप्शन लगभग दिख रहे हैं और जो नहीं है आगे हमें काम करना है वो हम फीचर्स में F11 प्रेस करके फीचर से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर लेते हैं। तो आज हमारा वर्क है, मैं पिछली क्लास में ग्रुप बता चुका हूं, आज मैं आप लोगों को लेजर क्रिएशन बताऊंगा। तो हम यहाँ लेजर पर क्लिक करके एंटर करते हैं और आ जाते हैं हम लेजर क्रिएशन की विंडो पर। ये जो व्यू आपको दिख रहा है ये सिंगल लेजर क्रिएशन का व्यू है। आप देखें स्क्रीन पर आपको जो जर्नल एंट्रीज का एक दिख रहा होगा, यहां से मैं पहली एंट्री जो है हमारी जिसमें आप देख पा रहे हैं कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, मींस कैश से व्यापार स्टार्ट किया, जो कैपिटल है वो 10 लाख का है। तो हम क्या करते हैं, हमें दो लेजर क्रिएट करना होगा, एक कैश और एक कैपिटल। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट कंपनी बनने के साथ बन जाता है। अब हमें कैपिटल का लेजर बनाना है और कैपिटल अकाउंट नाम का एक ग्रुप लिस्ट में ग्रुप होता है जो कि एक प्राइमरी ग्रुप होता है। तो हम यहां पर कैपिटल का लेजर बनाते हैं, यहां पर लिखते हैं कैपिटल, कैपिटल अकाउंट को हम अंडर आप देखें यहां एंड ऑफ लिस्ट करेंगे हम और यहां कैपिटल अंडर नेम में हमने डाल दिया कैपिटल और अंडर में कैपिटल अकाउंट। आप जैसे देख रहे हैं जैसे अंडर के सामने आपका सिलेक्शन हुआ आया तुरंत आपके सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गया जिसमें डिफॉल्ट तरीके से कैपिटल अकाउंट सिलेक्टेड है। अगर यहां पर सिलेक्ट नहीं होता है तो हम यहां पर कैपिटल का चुनाव करते हैं, एंटर करते आते हैं। यहां पर ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं कुछ यूज में है, कुछ आपके एक्स्ट्रा ऑप्शंस है क्योंकि फीचर्स एक्टिवेट रहते हैं। इन्वेंट्रीज का यूज स्टॉक्स के लिए होता है, तो जब हम स्टॉक रिलेटेड आपको लेजर या इन्वेंट्रीज के मास्टर्स बना बताएंगे तो फिर इसका यूजेस हम बताएंगे। वैसे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड का वर्क परचेज और सेल्स के साथ होता है, हम उसमें आपको इसको यस करके बताएंगे।
एंटर करते हुए नीचे आएंगे। देखिए मेलिंग डिटेल यहां पर कैपिटल व्यापार की पूंजी होती है, और पूंजी का कोई मेलिंग एड्रेस नहीं होता, बट पूंजी को लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट के तहत हम इसको जनरल एंट्रीज में पोस्ट करते हैं एंट्री को। सो यहां पर मेलिंग डिटेल के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो कैपिटल का तो एड्रेस नहीं, अपनी कंपनी का आप यहाँ नेम डाल सकते हैं, उसका एड्रेस डाल सकते हैं और उसका पूरा डिटेल आप यहां मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं केसीआई मैंने कंपनी का नेम डाल दिया, यहां पर उसका एड्रेस डाल देते हैं हम, और एंटर करते हुए हम नीचे आ जाते हैं। इस तरह से हम इसको पोस्ट करते चले जाते हैं। अगर यहां हमें डिटेल डालना है तो अपनी पूरी डिटेल को मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहां पर बैंक का डिटेल प्रोवाइड करना है, यहाँ टैक्स रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड करना है, जो कंपनी का टैक्स इंफॉर्मेशन हो वो सब हम यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। मैं ऐसे ही डाल देता हूं टैक्स इंफॉर्मेशन के लिए। सॉरी, पैन कार्ड में जो चौथा कैरेक्टर होता है वो सी और पी मैक्सिमम देखा जाता है। सी अगर चौथा कैरेक्टर है तो कॉर्पोरेटेड होता है, अगर पी चौथा कैरेक्टर है तो वो पर्सनल होता है। एंटर करते हुए आते हैं। ये रजिस्ट्रेशन अगर आपका जीएसटी का है तो उसका कौन से फॉर्मेट में आप उसको यूज करते हैं वो सारी डिटेल मैं जीएसटी के साथ इसको आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करूंगा। सो यहाँ इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। एंटर करते हुए हम नीचे आ जाते हैं। अगर ये ऑप्शन ये फीचर्स को हमने डीएक्टिवेट कर रखा होता तो ये फीचर्स यहाँ पर नहीं आते। एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। आपने देखा कि जैसे मैंने इसको एक्सेप्ट किया हमारा ये कैपिटल नाम का लेजर सेव हो गया, मींस ये लेजर आपका क्रिएट हो गया। हम यहाँ एंटर एंटर करके भी सेव कर सकते हैं, या फिर आप देखें यहाँ कंट्रोल ए करके हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब टैली में किसी कैरेक्टर के नीचे डबल अंडरलाइन होता है तो उसे हम कंट्रोल के साथ यूज करते हैं, अगर किसी कैरेक्टर के नीचे सिंगल अंडरलाइन, जैसे यहाँ गोटू के नीचे सिंगल अंडरलाइन है, मींस इसको हम अल्ट जी के साथ यूज कर सकते हैं। अल्ट के साथ सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन में कंट्रोल का यूज हम करते हैं, जो कि एक मॉडिफायर कीज होती है। तो हम चलते हैं, ये मैंने एक सिंगल लेजर बना करके बताया आपको। अगर हमें मल्टीपल क्रिएशन करना है तो जैसे कुछ फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री हम करना चाहते हैं, मल्टीपल में करके दिखाते हैं आपको, हालांकि वो आपको हमारे जो मैंने एंट्री का पिक दिया है उसमें नहीं दिख रहा होगा। सो हम यहाँ एक्स्ट्रा में दिखाते हैं आपको। हम अगर हम मल्टीपल में लेजर क्रिएशन करना चाहते हैं तो हम यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट पर जाते हैं और लेजर पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं मल्टीपल मास्टर्स लिखा है, अल्ट के साथ हम एच प्रेस कर देंगे तो भी ओपन हो जाएगा। इसमें हम क्रिएशन करना चाहते हैं मल्टीपल लेजर का, तो हम यहाँ मल्टी क्रिएट पर चले जाएंगे और एंटर करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये मल्टी लेजर क्रिएशन की विंडो आ गई, यहाँ लिखा है मल्टी लेजर क्रिएशन अंडर ग्रुप। यदि हम यहाँ ऑल आइटम्स का चुनाव करते हैं तो हम सभी प्रकार के लेजर्स को इसमें, मींस कहने का हम अलग अलग अंडर ग्रुप के हिसाब से लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर हमें किसी एक सिंगल यूनिक ग्रुप का हमें लेजर क्रिएट करना है, एक सिंगल ग्रुप का लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम ग्रुप का चुनाव कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स का चुनाव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर जितना भी लेजर क्रिएट करेंगे वो सब फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत बनेगा। अगर हमें अलग अलग अंडर हेड के साथ लेजर को क्रिएट करना है तो यहाँ पर हम ऑल आइटम्स का चुनाव करेंगे। हम बनाते हैं बिल्डिंग का, बिल्डिंग का लेजर हम बना रहे हैं। मान लेते हैं व्यापार स्टार्ट करते समय हमें बिल्डिंग परचेज करना हुआ है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो बिल्डिंग का अंडर हेड फिक्स्ड एसेट्स होता है, ओपनिंग बैलेंस यहां हम नहीं डालते हैं। मशीनरी अकाउंट का लेजर हम क्रिएट करते हैं, मशीनरी भी आपका फिक्स्ड एसेट्स होता है। मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि वह संपत्ति जिसके द्वारा व्यापार किया जाता है उसे हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, और जिस संपत्ति का व्यापार किया जाता है, जैसे कैश, स्टॉक्स, थिंग्स आपके हैं, वो सब करंट एसेट्स में आते हैं। फर्नीचर अकाउंट, ये तीनों हमने फिक्स्ड में डाल दिया। अब हम एंटर एंटर करके नीचे चाहे सेव करें इसको, या फिर हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देंगे, हमारे ये लेजर सेव हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं जो भी मैं लेजर क्रिएट करते जा रहा हूं वो यहां पर उस ग्रुप के अंडर में शो होता चला जा रहा है। अब हम बैक आते हैं, आपको हम सिंगल सिंगल लेजर क्रिएट करके ही दिखाते हैं। अगली एंट्री जो हमारी उसमें है, एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। हमें
माल खरीदा की एंट्री में करनी है तो परचेज डेबिट एंड कैश क्रेडिट। सो परचेज यहाँ डेबिट क्रेडिट का हम जो मेंशन करते हैं वो ट्रांजेक्शन व्यू में, हम वाउचर्स में जब जाते हैं तो वहां पर हम डेबिट क्रेडिट को शो कराते हैं। यहाँ हम केवल वही के लिए एक पन्ना क्रिएट कर रहे हैं, एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं, मास्टर बना रहे हैं। सो हम यहां पर लिखते हैं परचेज को। मैं बता दूं कि परचेज अकाउंट या परचेज रिटर्न अकाउंट ये दोनों ही परचेज के अंतर्गत बनाए जाते हैं, मीन्स इनका जो अंडर ग्रुप होता है वो परचेज अकाउंट ही होता है। आप देखें परचेज के जस्ट नीचे एलियस आ रहा है, ये उपनेम के लिए होता है। अगर हम अपने इस परचेज लेजर को किसी और नेम से जानना चाहते हैं तो उसको हम यहां पर दे सकते हैं। एंटर करते हुए आते हैं, यहां पर पी प्रेस करते हैं और हमें ग्रुप में परचेज अकाउंट मिल जाता है और एंटर करके नीचे आ जाते हैं। आप देखें परचेज अकाउंट डालते ही इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड ऑप्शन यस हो गया। एस अगर हमें स्टॉक रिलेटेड वर्क करना है, इन्वेंटरी में वर्क करना है तो हम इसको यस करते हैं। और ऑप्शंस को भी हम बेसिक पढ़ रहे हैं एकदम जीरो लेवल से। सो अभी हम लेजर्स में आपको केवल लेजर क्रिएशन आप समझें, अगर हम आपको ये सारी डिटेल्स नीचे की बताना स्टार्ट करेंगे तो शायद आप लेजर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम फीचर्स पे जाते हैं, कंपनी के अंदर फीचर होता है या F11 प्रेस कर देते हैं। सो फीचर्स में जाते हैं और जीएसटी ऑप्शन को अभी हम नो कर देते हैं, जीएसटी ऑप्शन को नो कर देते हैं तो हमारे ये जो नीचे ऑप्शंस कई सारे दिख रहे थे वो सब हट जाएंगे यहां से। कहने का मतलब ये है कि अभी हम उन चीजों को नहीं देखते हैं जो हमारे लेजर को समझने में बाधा उत्पन्न करें या प्रॉब्लम क्रिएट करें कह सकते हैं। अभी हम सिंपल सा लेजर क्रिएशन समझेंगे जो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। तो एंटर करते हुए हम इसको एक्सेप्ट करें या फिर कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हुए इसको हम सेव कर लें। अभी आपको मैंने बताया कि कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है, सो उसे हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगली एंट्री है परचेज अकाउंट DR टू सुमित एंड कंपनी, मीन्स सुमित एंड कंपनी से माल खरीदा है तो परचेज आपका डेबिट में जाता है और सुमित एंड कंपनी आपका क्रेडिट में है। सो हम यहां परचेज का लेजर बना चुके हैं। जो लेजर हम एक बार बना लेते हैं उसे हम दोबारा नहीं बनाते। अगर एक ही नेम के कई सारे आपके कस्टमर हैं या सप्लायर हैं तो उनको हम थोड़ा सा डिफरेंट नेम दे करके या कुछ उसमें आइडेंटिटी के लिए हम दे करके अलग अलग लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सो हम यहां पर परचेज हमें नहीं क्रिएट करना है। अगर हम क्रिएट करना चाहेंगे तो हमें ये पहले से ही आपको एक अलर्ट प्रोवाइड करेगा कि आपने परचेज का लेजर पहले बना लिया है। सो आप उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको दिखाऊं। परचेज अकाउंट करके जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देख पा रहे हैं नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम। ये कह रहा है कि यह नेम पहले से अवेलेबल है तो आप डिफरेंट नेम आप कुछ भी यूज करें। अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक करके बना देंगे या स्पेलिंग में कोई चेंजेस करेंगे तो वो ले लेगा, बट हम जो लेजर बना चुके हैं उसे हमें नहीं बनाने की जरूरत। तो हम सुमित एंड कंपनी बनाते हैं। जब हम उधार माल खरीदते हैं और जो सप्लायर हमें उधार माल दे रहा होता है वो बाद में लेनदार होता है, सो उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर में डालते हैं। तो यहां पर हम सुमित को सन्ड्री क्रेडिटर में लिखेंगे। सुमित एंड कंपनी को हम सेंडरी क्रेडिटर में डालेंगे। क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार और एक विशेष व्यक्ति होने का, तो उसे सेंडरी जोड़ा जाता है, सेंडरी क्रेडिटर्स में डालते हैं इसको हम। एंटर करते हैं और आपको ये मालूम हो कि सेंडरी क्रेडिटर्स जो है वो करंट लायबिलिटीज का सब ग्रुप होता है। क्योंकि उधार माल खरीद रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी होती है कि हम उसको पेमेंट करें बाद में। यहां मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, क्योंकि सुमित का जो खाता है वो बिल बाय बिल मैनेज किया जाना है, इसलिए इस ऑप्शन को यस करते हैं और एंटर करते हुए हम नीचे आते हैं। यहां पर सुमित जो कंपनी है उसका कंप्लीट एड्रेस हम यहां पर प्रोवाइड करते हैं, हम यहां लिख देते हैं। अगर हम बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या बैंक के द्वारा ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहां पर इनका बैंक डिटेल भी प्रोवाइड करेंगे और यहां पर इनका टैक्स नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। हमने ऐसे ही कुछ दे देना है क्योंकि जो भी मैं यहां पर लेजर्स क्रिएट कर रहा हूं या बता रहा हूं आपको एज एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं।
इस तरह से हमने पैन कार्ड नंबर दे दिया और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से हमने सुमित का लेजर क्रिएट कर लिया। अगली एंट्री आप देख सकते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स, मींस नगद में मैंने माल बेचा, और जब नगद में माल बेचते हैं तो कैश व्यापार में आता है और सेल्स हम करते हैं। सेल्स आप जानते हैं इनकम, या गुड्स के रूप में आप इसको देखें तो सेल्स क्रेडिट में चला जाता है, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। यहां पर हम कैश का लेजर नहीं बनाएंगे, सेल्स का लेजर बनाएंगे। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट जो होता है आपका, सेल्स सेल्स के खाते में जाता है। इसके लिए एक सेपरेट ग्रुप होता है, सेल्स अकाउंट। एंटर करते हैं, इसमें भी इन्वेंट्रीज को हम इंक्लूड करते हैं। यदि हमें एक स्टॉक लेवल पर वर्क करना है तो एंटर करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम नेक्स्ट लेजर बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट लेजर बनाते हैं, हमारा है राजीव को माल बेचा। अगर वो पार्टी जो मेरा कस्टमर है, जब वो हमें कैश नहीं देता है तो वो एंट्री उधार में जाती है, और उधार होता है तो कस्टमर का नाम नोट कर लिया जाता है। सो यहां राजीव का नाम लिखा जाएगा, राजीव अकाउंट, राजीव अकाउंट। जो राजीव हमारे कस्टमर है, और कस्टमर को सन्ड्री डेटर्स कहा जाता है, बिकॉज कस्टमर देनदार हो जाता है, फ्यूचर में वो हमें देगा, तो सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत इसको हम डाल देते हैं। एंटर करते हुए आते हैं, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करते हैं, और पिछले लेजर की तरह यहां भी हमें मेलिंग डिटेल वगैरह सब डालना है। यहां पर हम इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि एंट्री जो आपका ये, क्योंकि वीडियो मेरा काफी लंबी ना हो इसके चलते मैं इसको यहां से सेव कर ले रहा हूं। नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं, सैलरी। यदि मान लेते हैं कंपनी है, लेन देन कर रहा है, तो वेतन वगैरह कुछ एक्सपेंसेस भी कंपनी में होते हैं, वो हमें करने होते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने वेतन दिया कर्मचारियों को अपने, तो सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश। सैलरी व्यापार में जो है वो एक्सपेंस है व्यापार का, तो सैलरी डेबिट होता है और कैश आपके व्यापार से जाता है, इसलिए उसको हम क्रेडिट करते हैं। बिकॉज रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो संपत्ति व्यापार से जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर हम सैलरी का लेजर बनाएंगे, सैलरी अकाउंट। सैलरी आपके व्यापार के लिए खर्चा है, और ये जो खर्चा होता है हम मंथली सैलरी देने का काम करते हैं, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में होता है, बिकॉज ये नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस पर इसका असर जाता है, सो इसे हम इनडायरेक्ट में डाल। यहां पर हम जैसे ही आई को प्रेस करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कलेक्ट करेंगे और एंटर कर देते हैं, तो यहां पर ये आ जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब प्राइमरी ग्रुप में होते हैं, और यहाँ इन्वेंट्रीज का कोई रोल नहीं होता, तो एंटर करते हुए हम इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एंटर करते हुए हम लेजर को सेव कर लेते हैं, या फिर कंट्रोल ए के साथ इसको हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट लेजर हम करते हैं, चूंकि कैश बना हुआ है तो कैश हमें नहीं बनाना है। मान लेते हैं कि कमीशन मिल रहा है, तो कैश आएगा और कमीशन व्यापार के लिए लाभ है, सो कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन। तो यहां कैश का लेजर नहीं बनाना, कमीशन का बनाना है। कमीशन का लेजर हम लोग बना लेते हैं, कमीशन व्यापार के लिए यहां लाभ है, प्रॉफिट है, और कमीशन का जो ग्रुप होता है, अगर कमीशन मिल रहा है, कमीशन रिसीव्ड भी हम यहां लिख सकते हैं, या डायरेक्टली हम कमीशन अकाउंट में ही बना सकते हैं, या कमीशन रिसीव्ड भी हम कर सकते हैं। अगर हमें कमीशन देना भी पड़ता है और कमीशन हम प्राप्त भी करते हैं, तो कमीशन रिसीव्ड एंड कमीशन पेड का हम लेजर बना सकते हैं। अभी मैंने यहाँ कमीशन अकाउंट करके बना लिया, और ये कमीशन प्राप्त हो रहा है, तो कमीशन को इनडायरेक्ट के अंतर्गत हम लिखते हैं। तो यहाँ आई प्रेस करते ही आप इनडायरेक्ट इनकम में इसको करेंगे, और यहाँ एंटर कर कंट्रोल ए के साथ इस लेजर को आप सेव कर लेंगे। नेक्स्ट लेजर हम देखते हैं, एंट्री में लिखा हुआ है राजीव को, चूंकि हमारे कस्टमर से उनसे हमें भुगतान मिल रहा हो तो कैश आएगा और राजीव दे रहे होंगे, क्योंकि राजीव का भी लेजर हमने पहले बना रखा है और कैश का भी लेजर बना रखा है, सो हमें यहां पर कोई लेजर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं कि माल वापस आ रहा है, माल वापस अगर आ रहा है बेचा हुआ, तो हम यहां बेचे हुए माल की एंट्री करते हैं, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न हम यहां बना लेते हैं। सेल्स रिटर्न, देखिए दो तरीके से रिटर्न होता है, एक सेल्स रिटर्न होता है और एक परचेज रिटर्न होता है। जब बेचा हुआ माल वापस आता है तो वो सेल्स रिटर्न कहते हैं,
और जब खरीदा हुआ माल हम वापस करते हैं सप्लायर को तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट के अंतर्गत लिखा जाता है, मीन्स सेल्स रिटर्न के को हम मीन्स सेल्स रिटर्न को हम सेल्स अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं और परचेज रिटर्न को हम परचेज अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। एंटर करते हुए कंट्रोल ए के साथ इसको हम सेव कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हमें परचेज रिटर्न करना है तो परचेज रिटर्न के लिए हम यहां परचेज रिटर्न लिखते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट को भी हम परचेज अकाउंट के अंतर्गत डालते हैं। कहां डालते हैं? परचेज में। तो परचेज के अंतर्गत दो लेजर हम बनाते हैं, एक परचेज अकाउंट और एक परचेज रिटर्न अकाउंट। ऐसे ही सेल्स के अंडर में हम दो ग्रुप ऐसे ही सेल्स के अंडर में हम दो लेजर बनाते हैं, एक सेल्स अकाउंट और एक सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे व्यापार में जो मशीनरी है व्यापार की, जो फिक्स्ड एसेट्स के रूप में है, अगर एडजस्टमेंट करना हो, जैसे मशीनरी एक वेस्टिंग एसेट्स के रूप में यूज होती है व्यापार में, मशीनरी समय व्यतीत होने के साथ मशीनरी के दाम में कमी आती है, इसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो हम अगर डेप्रिसिएशन मशीनरी पर काटते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ईआर टू मशीनरी हो जाता है। तो यहाँ डेप्रिसिएशन का लेजर हमें बनाना है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर हमने यहाँ बनाया। और डेप्रिसिएशन व्यापार के लिए क्या है? एक प्रकार का खर्चा है, लेकिन वो जो हरासमेंट होता है वो हम जो डेप्रिसिएशन काटते हैं वो मंथली या ईयरली काटते हैं, सो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में यहाँ पर देखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं और कंट्रोल ए के साथ सेव करते हैं। ऐसे ही यदि कोई बैंक का खाता है, बैंक है तो बैंक में हम यदि हमारा कोई बैंक का लेजर हमें बनाना है, मान लेते हैं एसबीआई में हमें पैसा जमा करना है या एसबीआई से निकालना है, अगर जर्नल एंट्रीज में ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो ओडी खाता है या ओसीसी खाता है, तो बैंक के लेजर को हम बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे एसबीआई अकाउंट हमने बनाया यहाँ पर, तो एसबीआई को हम बैंक अकाउंट के अंतर्गत डाल सकते हैं। और यहाँ पर बैंक का पूरा डिटेल मेंशन करते हैं, यहाँ पर उसका हम बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं, यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल देते हैं, इस तरह से आईएफएससी कोड डाल देते हैं। अगर हमें स्विफ्ट कोड मालूम है तो हम यहाँ पर डालते हैं, अन्यथा इसको इग्नोर करते हैं। जो डिटेल हमारे सामने है और वो हम डाल देते हैं, ब्रांच में हम डाल देते हैं, अयोध्या डाल दिया, ब्रांच डाल दिया। अब हमें बैंक कॉन्फ़िगरेशन करना, तो यहां से हम उसको करते हैं और यहाँ बैंक का टोटल एड्रेस डाल देते हैं, बैंक कहाँ का है, इस तरह से हम डिटेल को मेंशन करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लेजर को क्रिएट करते हैं, और जब हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं फिर उस पर हम ट्रांजेक्शन्स को अलाउ करते हैं, मीन्स वाउचर करने का काम करते हैं। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई लेजर्स में और स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, तो यदि कोई क्वेरी होती है आपकी तो उसको आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, बिकॉज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, सो लाइव में होता तो हम डायरेक्टली डिस्कशन कर सकते थे, मैं लाइव भी आऊंगा आप लोगों के पास। तो आपने ये कंप्लीट लेजर क्रिएशन देखा, हम बैक करके आते हैं और जो भी लेजर हमने क्रिएट किया हुआ है उसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाते हैं और यहाँ पर लेजर्स पर चले जाते हैं, और यहाँ मल्टीपल लेजर मास्टर्स पर हम जाएंगे और अल्टर पर चले जाएंगे, जिससे आपको जितने भी लेजर्स बनाए हैं वो विद अंडर ग्रुप के साथ आपको शो कर जाएं। ये कुल 16 लेजर्स हैं, जिसमें दो लेजर बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, कैश प्रॉफिट एंड लॉस, और सारे लेजर्स मैंने अभी क्रिएट किया है जिसको स्टेप बाय स्टेप आपने देखा। आई होप आपको ये लेजर की वीडियो अच्छी लगेगी, यदि वीडियो अच्छी लगे यूजफुल लगे तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, तथा चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं इस पर बहुत ही सारे वीडियोस यूजफुल वीडियो डालता हूं, जो कि आपके करियर में बहुत मदद करेगा, फ्यूचर में आपको बहुत यूजफुल होगा ये वीडियो। तो ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज इस चैनल पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और बहुत डीपली वे में आपको मिलती हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ,
नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।